स्टोर के लिए अच्छा है, बेडरूम के लिए अच्छा है, बट नॉट गुड फॉर एनी काइंड वाटर एक्टिविटी वाले है, वॉशरूम वगैरह यहाँ पे नहीं बनाने चाहिए। देन एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, बहुत छोटी सी है लेकिन लाइफ को इफेक्ट कर जाती है, शायद उसके बारे में आप लोगों का ध्यान भी नहीं जाता होगा, और इट इज वेरी मच रिलेटेड विद द वास्तु, दैट इज घड़ी, क्लॉक। ठीक है, घड़ी से मतलब ये वाली नहीं है, वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूँ। वॉल क्लॉक हम प्लेस कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता वॉल क्लॉक प्लेस करने से भी हमें फायदा या नुकसान हो रहा है। देखिए वॉल क्लॉक में दो तीन चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है, एक तो वॉल क्लॉक का कलर, उसका कलर, उसका शेप, शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तीसरी चीज आती है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको प्लेस करनी चाहिए। आइडियल डायरेक्शन फॉर कीपिंग वॉल क्लॉक इज ओनली ईस्ट एंड नॉर्थ, घड़ी को हमेशा ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं भी लगाते हैं घड़ी को, कहीं भी आप लगाते हैं तो वेस्ट या साउथ में लगाते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है घड़ी को, कभी भी, और साउथ में तो कभी नहीं लगाना चाहिए साउथ वॉल पे, नेवर एवर कीप अ वॉल क्लॉक ऑन द साउथ वॉल, क्योंकि वो साउथ की नेगेटिव एनर्जी को रोटेट करना शुरू कर देती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है शेप ऑफ द क्लॉक, शेप क्या होनी चाहिए। आइडियल शेप टू पुट द वॉल क्लॉक इज, अगर आप ईस्ट में लगाते हो इट शुड बी ऑफ स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप की होनी चाहिए। एंड इफ यू आर पुटिंग द वॉल क्लॉक ऑन द नॉर्दर्न वॉल इट शुड बी ऑफ नॉर्थ रेक्टेंगुलर शेप। अगर किसी वजह से वेस्ट वॉल पे लगानी पड़े तो राउंड शेप होगी, नॉर्थ राउंड नहीं, नॉर्थ और ईस्ट में राउंड नहीं लगाना, वेस्ट में लगाना नहीं तो अगर कभी मजबूरी है, अपने पास चॉइस नहीं है, वेस्ट में लगाना पड़ा तो फिर राउंड शेप। एक आज मैं आपको और टिप देता हूँ, बहुत अच्छा टिप है, यूजफुल टिप है, एंड इट इज एक्चुअली रिलेटेड विद योर फाइनेंसेस, गुड फाइनेंसेस। ठीक है, वी यूज टू कॉल देम मैजिक टिप्स, इनको मैजिक टिप बोलते हैं वास्तव में। आप अपने घर की, अपनी बिल्डिंग के वेस्ट में एक राउंड वॉल क्लॉक लगाइएगा, ठीक है, और उसका जो आउटर डायल होता है ना, आउटर जो रिंग होता है, दैट शुड बी ऑफ गोल्डन कलर और येलो कलर। ठीक है, वेस्ट में अगर आप वो लगाते हो राउंड क्लॉक लगाते हो तो, और येलो या गोल्डन अगर उसका आउटर होता है तो वो आपके फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, बहुत बेनिफिट देता है। आप ये बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें आपको कोई मेजर चेंजेस नहीं करने जाकर के, खाली आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तभी आपको लगने लगेगा कि आपको बेनिफिट होने शुरू होगा। आप ये करिए और देखिए, दो दिन में कोई चीज नहीं बदलती, पहली बात आपको समझ लीजिएगा। वास्तु में जादू नहीं होता कि कोई करे और तुरंत छड़ी घुमा दी और जादू हो गया, टाइम लेता है एनर्जी का बैलेंसिंग होने में, लेकिन एक बार एनर्जी की बैलेंसिंग शुरू हो जाती है फिर चीजें बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो आप ये लगा करके देखिए। हाँ हाँ, बीम पे, बीम पे भी नहीं लगानी चाहिए और इस पे भी नहीं लगानी चाहिए, ये एंट्रेंस के ऊपर, मतलब कोई डोर एंट्रेंस, कोई डोर एंट्रेंस, ये डोर एंट्रेंस है तो अभी तो इसके ऊपर तो वॉल नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर वॉल रहती है तो इसके ऊपर भी नहीं लगा। एंट्रेंस के सामने लगाए, एंट्रेंस के सामने लग सकती है लेकिन एंट्रेंस के ऊपर नहीं लगा। मतलब अवॉइड करना चाहिए कि जो